मुस्लिम आरक्षण पर मचे सियासी रणनीति। मुस्लिम आरक्षण पर एक बार फिर से सियासी बवंडर तब उठा जब आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने तीसरे चरण की वोटिंग के बीच मुस्लिम आरक्षण का राग अलापा है। लालू मुस्लिमों को पूरा आरक्षण देने की वकालत करने लगे, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने लालू यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान को इंडी गठबंधन के खिलाफ हथियार बना लिया। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि लालू यादव की बातों से इंडी गठबंधन के खतरनाक इरादों की पुष्टि हो रही है। वो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की साजिश रच रहे हैं, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनना चाहते हैं, जिसके बाद कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूदी और पीएम मोदी पर भटकाने का आरोप लगाया और पिछड़े वर्ग को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उठाई। लेकिन अब सवाल यह है कि चुनाव के बीच आरक्षण के नाम पर कौन भटका रहा है, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग सही है या फिर गलत है, इसी मुद्दे पर भी चर्चा कर लेते हैं और जनता की राय भी सामने है। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं लालू प्रसाद यादव को बयान, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों ले लिया। सुन ली, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल गई। मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी एसटी ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन सवालों की जो हमने जनता के बीच जाकर पूछे। उनमें पहला सवाल था कि चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण पर सियासी घमासान कैसे मचा, यह आपने देखा और इसी को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने एक सर्वे किया है। इस दौरान हमने लोगों से सवाल पूछा, लालू यादव ने चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण की मांग क्यों उठाई, क्या चुनावी फायदे के लिए? 60% लोगों ने यह माना कि हाँ चुनावी फायदे के लिए, 13% लोगों ने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, 17% लोगों ने कहा मुस्लिम यादव समीकरण के लिए और 10% ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि इस पर हम कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे साथ सुधांशु मित्तल हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका हमारे साथ बनी हुई हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। प्रियंका जी, आप क्या मानती हैं इस मसले को, जिस मसले को देश के प्रधानमंत्री उठा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं मुस्लिम आरक्षण नहीं होने दूंगा। उसके बावजूद भी आप ही की पार्टी के सबसे बड़े नेता सुप्रीमो ने आज फिर मुस्लिम आरक्षण की बात उठा दी और कहा कि पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण की बात लालू जी ने उठाई ही नहीं। लालू जी से बड़ा पिछड़ों का नेता इस देश में कोई है ही नहीं। उनको तो आम जनता मंडल मसीहा के नाम से भी जानती है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू करवाई? वो लालू जी ही थे। और साथ ही साथ बिहार ऐसा पहला राज्य था जहां पर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। ये कौन लोग थे? ये भाजपा ही नहीं थे क्या जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई उसका इतना दुख इन्हें हुआ कि वीपी सिंह की सरकार इन लोगों ने गिरवा दी थी? हम लोग कर्पूरी जी का वो दिन भूल गए हैं क्या? कर्पूरी जी की माँ को गाली देने वाले लोग आरक्षण पर बात करेंगे? वो कर्पूरी जी को गाली क्यों देते थे? उनकी माँ को गाली क्यों देते थे?
कर्पूरिया की .. की आरक्षण कहां से आई? ये लोग आरक्षण पे बात करेंगे? सीधी बात है, अगड़ी माँ की कोख से पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं पैदा होता है, पिछड़ी माँ की कोख से ही पिछड़ा नेता पैदा होता है। ये बड़ी बात कर रही है सुधांशु जी, प्रियंका गांधी जी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मुझे लगता है जिस निम्न स्तर की ये बात कर रही है उसका जवाब देना भी बड़ा अजीब होगा। प्रधानमंत्री की माँ के बारे में कोई इस तरह की बातें करना मुझे लगता है अशोभनीय है। मैं कभी भी लालू जी या उनके परिवार के मैं बीच में नहीं बोलता। आप में हिम्मत होनी चाहिए दूसरे को सुनने की। प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए। प्रश्न क्या था प्रियंका जी? आपको सुना, एक बार सुधांशु जी को भी सुन लीजिए। सुधांशु जी जब अपनी बात पूरी कर देंगे फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। सुधांशु जी बिल्कुल, मनोज जी यहाँ प्रश्न क्या था? यहाँ प्रश्न ये था कि लालू जी ने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण देना चाहिए, पूरा शब्द इस्तेमाल है, मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए जी। ये क्या राजनीति है? ये राजनीति है कि ओबीसी कोटा बना हुआ है उसको काट के ही तो देंगे ना, कहां से देंगे? आज तक कांग्रेस ने और इंडियन न्यूज पे लाई वो मुस्लिम आरक्षण का प्रयोग करा है, वो ओबीसी कोटा के अंदर करा है। आप ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को देना चाहते हैं, और जबकि संविधान क्या कहता है? संविधान के धारा 14 और 15 दोनों आर्टिकल्स के अंदर प्रोहिबिशन है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि मुसलमान को वोट बैंक की तरह, इनको गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करना है, ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। इससे ज्यादा सांप्रदायिक क्या हो सकता है कि मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए? आप धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का आरक्षण बांटना चाहते हैं, आप धर्म के आधार पर हिंदुस्तान की राजनीति बांटना चाहते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जब हार दिख रही है तो किसी भी तरह मैं अपनी वोट को कंसोलिडेट कर लूं, और मैं हेन केन प्रकेन, चाहे राष्ट्रीय हित खराब हो, चाहे समाज बटे, चाहे संविधान की धज्जी उड़ा दी जाए, लेकिन मैं जो है वोट के खातिर कुछ भी बोलूंगा। ये सवाल भी हमने ये जो सर्वे किया उसमें वो सवाल भी है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो सवाल भी है। लेकिन सर्वे का दूसरा सवाल है कि बिहार में मुस्लिम आरक्षण वाले दांव से किस पार्टी को फायदा होगा? 29% लोगों का मानना था कि आरजेडी को फायदा होगा, 25% लोगों का मानना था बीजेपी को फायदा होगा, 4% जेडीयू की बात कर रहे थे और 27% लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, 15% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। प्रियंका गांधी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास हम चलेंगे। वर्मा जी भी कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा वो भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन अजय साहब मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रियंका जी से मैं ले लेता हूँ। प्रियंका जी का नाम बहुत चल रहा है, एक प्रियंका गांधी कांग्रेस में भी, एक प्रियंका गांधी आरजेडी में। प्रियंका जी एक सवाल मेरा है, भारती है वो? अच्छा प्रियंका भारती है, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि उनका गाना जो है, उनका जो सरनेम है वो सुधार लें। प्रियंका जी एक सवाल मेरा है, लोगों को क्योंकि एम वाई फैक्टर जो है मुस्लिम और यादव फैक्टर है, उसकी राजनीति यूपी में भी होती है, बिहार में भी होती है, क्या चुनाव के इर्द गिर्द मुस्लिम वोटरों के फायदे के लिए तो ये बयान नहीं दिया गया, भले ही पूरे देश में कांग्रेस को इसका नुकसान होता रहे? लालू जी इसीलिए कह रहे थे आई एम सीनियर टू नरेंद्र मोदी, जो सही में जिनको थोड़ी सी भी नरेंद्र मोदी को समझ होती थी वो समझ जाते कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक जो जिस तरह से सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके आधार पर दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री वो नहीं समझेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो सबसे निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। आज आपने सुना होगा पिछड़ों के मसीहा, मंडल मसीहा के लिए उन्होंने कैसी भाषा इस्तेमाल की, चारा खाने वाला बोला। 14% से 15% पिछड़ों की आबादी, यादवों की आबादी चारा खाती है, और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? 2002 में लोगों का खून पी रहे थे। ये सवाल मेरा वो रहेगा उनसे, मैं इसका जवाब सुधांशु जी से ले लेता हूँ। अजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन सुधांशु जी इसका कुछ जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु जी और बड़ी ओबीसी के लिए पेट में भी दर्द हो रही थी तो जाति जी जवाब सुन लीजिए। जवाब आखिर जातिगत जनगणना से समस्या क्यों है? बीपी सिंह की सरकार आप लोगों ने गिराई। जी सुधांशु जी से जवाब ले लें, इसलिए आप लोग जातिगत जनगणना। प्रियंका जी सुधांशु जी से जवाब ले लें या आपकी बहस पर ही पूरी बात खत्म हो जाएगी। अभी बस मुझे एक ही बात रखना है, आज इन्हीं की महारानी है दिव्या जी,
क्या बोल करके गए हैं, संविधान बदल देंगे। ये संविधान इसीलिए बदलना चाहते हैं कि पिछड़ों दलितों का हक खा जाए, आरक्षण को खत्म कर दे। लगातार इनके नेता बयान इस पे दे रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी जी सफाई नहीं दे रहे? आप जो क्रांति कर रही है उसका जवाब भी तो ले रहे सुधांशु जी का। सुधांशु जी जवाब। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि ये जो झूठ प्रचार आप करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं कि आरक्षण खत्म करा जाएगा, पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, उन्होंने स्पष्टता से कहा कि ये झूठ है। लेकिन आप अपने मनसूबों में इनके आरक्षण पे क्षति कर रहे हैं। जब आप मुसलमान के आरक्षण की बात करें तो आप किसके कोटा से काट रहे हैं? आप दलितों के कोटा से काटेंगे, आप ओबीसी के कोटा से काटेंगे, और इसलिए जो है आप भ्रमित करने की कितनी भी कोशिश कर दीजिए, लेकिन देश के सामने सत्य सामने। और दूसरा मनोज जी, कौन से तरीके हम प्रियंका जी सुन लीजिएगा, आपका चैनल तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे थोड़ी प्रियंका जी सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, सुन लीजिए। हाँ सुधांशु जी, तो इस समय जो है देश में संविधान सर्वोपरि है, और संविधान ने स्पष्टता से कहा है कि किसी भी धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, इसलिए मुस्लिम आरक्षण जब भी दिया गया कोर्ट ने उसको निरस्त करा गया, कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। और अगला सवाल जो है वो अजय वर्मा उनके लिए भी है, अगला सवाल था कि क्या देश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए? 31% लोगों ने कहा कि हाँ दिया जाना चाहिए, और 68% लोग ऐसे थे उन लोगों ने कहा कि नहीं दिया जाना चाहिए, मात्र 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। अजय वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा जी बता दीजिए, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए क्या? देखिए मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, इससे पहले वो आपके भाजपा के हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग बैठे थे, लेकिन उन्हें कुछ नॉलेज का अभाव है, मैं उनकी जानकारी के लिए बढ़ाऊं कि वो पढ़ के आया करें जी। मुस्लिमों को जो अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के थे, शिक्षा रोजगार के 4% आरक्षण की बात हो रही है, एक आरक्षण में एक कोटा है बीसीई नामक, बीसीई ये सुन लें, उस बीसीई के तहत तेलंगाना में भी दिया गया, और उसी बीसीई के तहत जो बात होती है आरक्षण की, और बात ये करते हैं नरेंद्र मोदी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। अमित मालवीय की एक पोस्ट है जिस पर लिख रहा बैन सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर प्रतिबंध लगना चाहिए, एक नंबर। दूसरा ट्रेंड अमित मालवीय का है, महिला आरक्षण राजनीति में बहु बेटी कल्चर को बढ़ावा देगी, अमित मालवीय का और नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। तीसरा है आरक्षण खत्म करने पर बीजेपी के खतरनाक विचार, सभी प्रकार के जाति आरक्षण खत्म होने चाहिए, ये है बीजेपी का तीसरा अमित मालवीय का ट्वीट। चौथा ट्वीट है एससी एसटी आरक्षण से सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की हत्या होगी, ये उनका है चौथा। मैं ये बताना चाहता हूं कि मित्रों तेज बोलो, जोर से बोलो, सुबह बोलो, रोज बोलो, शाम बोलो, झूठ बोलो, और झूठे प्रवक्ता और नेताओं को बैठाओ। कितनी सादगी से मेरे बुजुर्ग अभी झूठ बोल रहे थे, मैंने ये इनका चिट्ठा खोल दिया अमित मालवीय। आपने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब मैं उनसे ले लेता हूं, लेकिन सर्वे के चौथे सवाल के साथ, सर्वे के चौथे सवाल के साथ, और वो चौथा सवाल है कि क्या मुस्लिमों को सियासी पार्टियों में सिर्फ वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल करती है? 74% ने कहा, 22% ने कहा ना, और 4% ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। इस सवाल के और इसकी राय पर तो मैं सुधांशु जी आपसे जवाब मांगूंगा ही, लेकिन अजय वर्मा ने जो सवाल उठाए उस पर भी जवाब दे दीजिए। मैं बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बड़े सम्मानीय तरीके से मेरे को संबोधित करा है। वैसे अजय जी मैं पढ़ के आता हूं नहीं आता हूं आपको थोड़ा ज्ञान दे देता हूं मैं कि मुस्लिम नाम से आप आरक्षण नहीं दे सकते। मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग जो है उसके लिए तब भी जो है आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जिस प्रावधान का आपने जिक्र करा शायद उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको आपको पता नहीं है, तो इसलिए मैं अज्ञानता के सामने शब्दों तीखे शब्दों को प्रयोग करके मैं आपका जवाब देना चाहता हूं कि मैं अपनी बात खत्म कर लूं उसके बाद जवाब देते रहिएगा आप। अब आपने जो है अमित मालवीय का दिखाया कि ये आरक्षण नहीं होना चाहिए, अच्छा कौन सी तारीख का है ये बताइए। लो ये ट्वीट है, आप बताइए ना, फैक्ट्री एक बन गई है कि जो है उसकी एक फैक्ट्री बन गई है। अभी तक आपने देखा कैसे अमित भाई के बयान को इन्होंने झूठ बोल के
अमित भाई ने कहा मैं मुस्लिम, राहुल गांधी सत्यता और असत्यता पर हो गई है। मैं चाहूंगा कि मैं सुधांशु जी का नंबर अजय वर्मा जी को दे दूंगा, अजय वर्मा साहब का नंबर सुधांशु जी को दूंगा और उसके बाद शेयर कर लीजिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन इस सवाल को देश के सामने रखे, उस पर जनता की राय निकल कर आई। समय का बहुत अभाव है, समय का बहुत अभाव है। मैं माफी चाहता हूं और माफी की चाहत इस बहस को खत्म करना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति मुस्लिम आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रही है। चुनावी सभाओं में भी इस बात का जिक्र हो रहा है। विपक्ष हमलावर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उन बयानों को उठाकर इंडी गठबंधन को निशाना भी बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी का।